आज मैं बनाऊंगी मसाला बैंगन। तो मैंने दो आलू कट करके रखे हैं और बैंगन को भी जैसे हम भरवा बैंगन बनाते हैं उसी तरीके से 1 किलो बैंगन कट करके रखे हैं। तो ले लिया मैंने गैस पर ऑयल, ऑयल आप कोई सा भी ले लीजिए। तो आलू पहले फ्राई कर लेते हैं, तो गोल्डन होने तक हम आलू को भी अच्छे फ्राई कर लेंगे। और वीडियो पे अगर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। और अच्छा ये हमारा वीडियो लगे आपको तो हमारी वीडियो पे एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, देखिए आलू को निकाल लेते हैं बैंगन। और ये सब्जी ना बैंगन की मसाले बैंगन जैसे भरवा बैंगन बनाते हैं ना, कितना टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता बनाने में। तो ये ना सिर्फ 6 से 7 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी, एकदम मसालेदार भरवा बैंगन और झटपट से। तो चलिए फिर हमारा आलू निकल गया, उसी ऑयल में हम बैंगन को भी फ्राई कर लेंगे। मेरे ये बैंगन 1 kg थे, मतलब 1 किलो, और कम ज़्यादा बैंगन की मात्रा कर सकते हैं आप। और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसे ना आप चावल पूड़ी पराठे, या मेहमान आ जाए तब, या कहीं जा रहे तब, झटपट से कोई सी सब्ज़ी अगर नज़र ना आए और बैंगन हो आपके घर तो ये सब्ज़ी ज़रूर बनाना। तो मैं भी ये बैंगन को फ्राई कर लेती हूँ। मेरे घर ये बैंगन बहुत दिन के रखे थे बेचारे, तो मैंने सोचा इनका क्या बनाए क्या बनाए, फिर दिमाग में आया अच्छे से एक सब्ज़ी बनाते हैं तो आप सबके साथ शेयर भी करते हैं। तो चलिए भैया मेरे बैंगन भी फ्राई हो गए हैं, कुछ समय लगता है बैंगन फ्राई होने में भी। और ये लीजिए बैंगन मेरे कुछ कुछ पक गए हैं, तो मैं एक एक दो दो करके जो पक रहे हैं फ्राई हो गए उन्हें निकाल लूँगी, क्योंकि बैंगन हमेशा छोटे बड़े ही रहते हैं, एक जैसे तो रहते नहीं। तो ये बैंगन फ्राई होगा इसको भी निकाल लूँगी, ऐसे ही करके मैं या जितने जितने बैंगन पकते जा रहे हैं मैं उतने निकालती जाऊँगी। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, वैसे तबीयत ठीक नहीं रहती, आपकी दुआ की ज़रूरत है, प्लीज़ दुआ भी करते रहिएगा, वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। अब ऑयल भी मेरा जो बचा है उसी ऑयल में मैं इस सब्ज़ी को फ्राई करूँगी, मेथी जीरा और सरसों डाल के मैं इसका तड़का लूँगी। और अच्छे पक जाए मेरे ये सारे मसाले, खड़े मसाले, तब मैं 4 इसमें लाल मिर्ची साबुत वाले डाल दूँगी, क्योंकि 2 मैं निकाल लूँगी और 2 इसमें रहने दूँगी, और मीठी लीम और 1 तेज़पत्ता इन सारे को पका लूँगी। तो बस थोड़ा से मसाले हम इसमें यूज़ करेंगे, ज़्यादा कुछ मसाले यूज़ नहीं करेंगे। और जब भी भरवा बैंगन खाने का मन करे तो मेरे जैसे तरीके से बना लीजिएगा। तो थोड़ी सी हींग डाल के मैंने मिर्ची प्याज भी इसमें पका लिया है, क्योंकि मिर्ची प्याज दोनों साथ कटे थे, तो 2-4 मिर्ची 1 प्याज, बस इनको भी हमने अच्छे से पिंक होने तक पकाया है, क्योंकि हम और भी इसमें मसाले डालेंगे तब तक ये पक जाएगा। तो ये हमारा 2 चम्मच धना पाउडर है यानी धनिया पाउडर, और फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो अभी मैंने 1 से 1.5 चम्मच लिया है, अगर आप जितना तीखा खाए उतना ही मसाला लीजिएगा। तेज़पत्ता भी मैं अभी निकाल दूँगी, और इसमें से मैंने 2 लाल मिर्ची जो फ्राई करी थी वो निकाल लिए, और बस हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें और इसको मसाले को पका लेंगे। तो मसाला हमारा ज़्यादा नहीं पकाना, हमें सिर्फ 10 से 15 सेकंड पकाना है, और मसाला पकने लग जाए तब हम इसमें पैनेट दाने जो होते हैं ना, उसको हमने क्या करा 1 कटोरी के करीब पीस लिया था मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल के, इसी में हमने अदरक लिया था पैनेट दाने में, और इसी में हमारी लहसुन थी 1 गट्टा के करीब, 10 से 12 कली, बस हमने तीनों को मिक्स करके पीस लिया था। तो ये हमारा पैनेट दाने भी हमने इसको डालकर पका लिया है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे, और कम गैस कर इसको पका लेंगे, क्योंकि हमें इसे आराम से पकाना है। और ये 2 से 3 मिनट में पक जाएगा, फिर हम इसमें 1 कटोरी के करीब दही ऐड करेंगे। तो दही अगर हो तो डालिएगा, वरना इसमें अवॉइड भी कर सकते हैं, वैसे मेरे पास था और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें दही ऐड करा है। अब दही को हमें चलाते हुए पकाना है, क्योंकि दही हमेशा फट जाता है, तो हमें इसे ध्यान देना है, दही चलाते हुए पकाए, 1 से 1.5 मिनट लगेगा। फिर हम थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, फिर हम इसको चला के
और आलू ऐड कर देंगे जो फ्राई करा है वो, और फिर हम इसमें कुछ ही सेकंड मिक्स करेंगे और बस फिर हमारी ये पक जाए आलू। ये मसाला तो पक चुका है वैसे, क्योंकि सारे मसाले हम डालते जाएंगे पकाते जाएंगे, झटपट से जो बनानी है हमें। फिर हम इसमें एक गिलास ग्रेवी के अनुसार पानी ऐड कर देंगे, जितना आपको ग्रेवी खाना हो इसमें। जैसे आप चावल वगैरह से खाते हो तो इसमें थोड़ा ग्रेवी को पतला रखिएगा, अगर रोटी से पराठे से पूड़ी से खाए तो थोड़ा सा थिक रखिएगा, बस इतना ही करना है इसमें। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, अब पक भी गया, ग्रेवी भी हमने बना ली है। ये देखिए, तो मेरे यहाँ 1 किलो बैंगन में मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी लेके इसको उबाल लिया है। अब जो 2 मिर्ची मैंने लाल वाली फ्राई करी जो तली थी ना वो बचाई थी, उसको क्रेस करके हाथों से मिसल के और इसमें डाल दूँगी। इसमें होगा क्या कि खुशबू सौंधी सौंधी जो आती ना मिर्ची की, वो बहुत ही अच्छी आएगी और टेस्ट इसका 10 गुना बढ़ जाएगा। तो ये लीजिए, पानी भी उबल गया है, ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है। अब मैंने क्या करा, इसमें अच्छे से उबाल आने के बाद में बैंगन को सारे को इसमें मैं ऐड करूँगी। देखिए ग्रेवी बहुत ही थिकनिंग वाली ना, पानी वगैरह नहीं जा रहा ना कि अगल पानी जा रहा अगल ग्रेवी, सारे बैंगन को मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। जो बैंगन भी मेरे फ्राई थे पके हुए, बस मुझे इसमें 2 से 1.5 मिनट ही पकाना है बैंगन को ग्रेवी में, ताकि मसाले अंदर तक जाए इसके और टेस्ट अच्छा आए। तो देखते 2-3 मिनट के बाद में देख लेते हैं। तो फिर ये हमारा बैंगन अच्छे से पक गया है, तो फिर देखा हमने बैंगन तो बहुत ही अच्छे से एकदम बन गए हमारे मसालेदार भरवा बैंगन। तो लीजिए भैया, एक बार हम इसको चला लेते हैं, कहीं चिक तो नहीं गई हमारी बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि हमने क्या करा था इसको चलाया नहीं था, तो नहीं चिकी तो नहीं है वैसे। और कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसको ना इतने झटपट से भरवा बैंगन बनाया है, ऐसा लग रहा है कि हमने अलग अलग सब में मसाला भरा और बनाया है, लेकिन आप देख ही सकते हैं कितनी चटपटी सी टेस्टी सी सब्जी हमारी बन गई। इसको निकाल लेते हैं अगले बर्तन में। तो लीजिए भैया, मेरे यहाँ तो सबने खा लिया था, उसके बाद मैंने आप सबके साथ लेकर आई थी वीडियो, और ये मसालेदार मेरे भरवा बैंगन बनकर झटपट से खूब से खूब, इसमें 7 से 8 मिनट लगा दोस्तों बनाने में। और आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू रस डाल दीजिए, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और लीजिए, मसालेदार मसालों में लिपटा बैंगन बनकर रेडी है, एकदम ढाबे स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसको परांठे, पूरी, चावल, नॉन रोटी, तंदूरी रोटी किसी के भी साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में कुछ ऐसी चटपटी सी रेसिपी, चटपटी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। जब तक राम राम।